अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री जो कंगना रनौत हैं, इन्हें एक तरह से वाइफर प्लस सिक्योरिटी दी गई है, सुरक्षा। तो इसी से संबंधित आर्टिकल है आपका, तो इसमें बहुत कुछ जानने के लिए आपका। और लास्ट में आपको बताना है कि आप क्या देखते हैं, मतलब किस तरह से देखते हैं इस सिक्योरिटी को, मतलब देना चाहिए थी या नहीं, क्या करना चाहिए था। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल की राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ठीक है, अभी आपने देखा है कि इनके घर पर जीसीबी चली, तो दुनिया ने देखा है। और अभी एमपी में आपके बेरोजगार भाइयों पर, एक तरह से छात्रों पर जो लाठी चली थी, उसे किसी ने नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि मीडिया भी आप लोगों को वही दिखाती है जो आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मिर्च मसालादार कोई ऐसी न्यूज हो। आप लोगों को भी एक तरह से, कहीं किसान अगर सुसाइड कर रहा है, फांसी लगा रहा है, तो वो न्यूज भी आप लोगों को अगर दिखाने लग जाए मीडिया, तो आप लोग भी क्या करेंगे कि उसे चैनल बदल देंगे। तो एक तरह से मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा जिम्मेदार हम खुद हैं इस बात के लिए जिम्मेदार। खैर छोड़िए ये सब, देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल। नियमों के अनुसार वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी के तहत अभिनेत्री कंगना रनौत सुरक्षा के लिए कुल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिसमें से 2 कमांडो भी होते हैं। किसे मिलती है ये सुरक्षा? ये आपके ही पैसे से चलती है, इतना बता देता हूँ, आपके ही टैक्स से। अब लोग कहेंगे कि मैं टैक्स नहीं देता हूँ, तो याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है, फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हो, फिर चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो। ठीक है, तो उसी से चलता है पूरा देश। ये अलग बात है कि आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है, बाकी लोगों के लिए सुरक्षा। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर वीआईपी सुरक्षा कहा जाता है, और सैद्धांतिक रूप से यह मुख्यतः ऐसे लोगों को दिया जाता है जो नागरिक समाज अथवा सरकार में किसी महत्वपूर्ण स्थिति अथवा पद पर होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किसी श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और सर्च एंड एनालिसिस बिंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा किए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों खुफिया विभाग अपने विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय को बताते हैं कि किसी व्यक्ति को आतंकवादियों या फिर अन्य असामाजिक तत्वों से किस प्रकार का खतरा है, जिसके बाद गृह मंत्रालय इस संबंध में निर्णय लेता है। यानी कि होम मिनिस्टर आपके, समझ रहे हैं आप लोग? वहीं कुछ लोग सरकार में अपने पद के कारण स्वतः ही इस प्रकार की सुरक्षा की श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अपने पद के कारण इस सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं। कार्य प्रणाली की आलोचना की बात करें अगर हम लोग, तो भारतीय खुफिया विभाग किसी भी वैधानिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, और वे केवल गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की आंतरिक निगरानी के अधीन कार्य करते हैं। वही इस विभागों द्वारा प्राप्त की गई कोई भी खुफिया जानकारी ना तो सार्वजनिक की जाती है और ना ही किसी अन्य विभाग द्वारा इनकी जांच की जाती है। कार्य प्रणाली की इस अस्पष्टता के कारण कई बार यह माना जाता है कि वीआईपी सुरक्षा में राजनीतिक कारणों से हेर फेर बदल भी संभव है, जो अभी आप देख भी रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इस मामले में भी आप लोग देख रहे हैं, तो ये देखा जाएगा। सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियों की बात करें, तो मोटे तौर पर वीआईपी सुरक्षा कवर की 6 श्रेणियां होती हैं, X+X, Y, Y+, Z, Z+ और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। इसमें से आप देखेंगे SPG केवल प्रधानमंत्री और उसके परिवार की सुरक्षा को प्रदान करते हैं, और जबकि अन्य सुरक्षा की श्रेणी सुरक्षा खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी में सुरक्षा कर्मियों की संख्या अलग अलग होती है। अगर एक्स सुरक्षा श्रेणी की बात करें, तो एक्स श्रेणी की सुरक्षा को सबसे बुनियादी स्तर की सुरक्षा श्रेणी माना जाता है। इस सुरक्षा श्रेणी में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें से कोई भी कमांडो शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगर वाई सुरक्षा की बात करें, तो इस श्रेणी के तहत एक बंदूकधारी कमांडो और स्थायी सुरक्षा के लिए एक एक सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वाई प्लस सुरक्षा श्रेणी, इस सुरक्षा श्रेणी के तहत 2 बंदूकधारी कमांडो रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4 निवास सुरक्षा के लिए रोटेशन के आधार पर अतिरिक्त 4 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। जेड सुरक्षा श्रेणी, इस सुरक्षा श्रेणी में कुल 6 बंदूकधारी कमांडो और निवास सुरक्षा के 2
अतिरिक्त दो सुरक्षा कर्मी होते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपसे पूछे जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी की, तो इसमें 10 से अधिक एनएसजी कमांडो होते हैं, और इसके अतिरिक्त निवास स्थान की सुरक्षा के लिए 2 सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल होते हैं। इन स्तरों के भीतर भी विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कवर हैं। इनमें निवास की सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा और अंतरराज्य सुरक्षा भी आपकी शामिल है। कौन से सुरक्षा बल वीआईपी सुरक्षा करते हैं आखिर? प्रधानमंत्री और उनके परिवार के अलावा अन्य सभी लोगों को सुरक्षा कवर प्रदान करने का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल होती है आपकी। सरकार बीते कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी से वीआईपी सुरक्षा का बोझ कम करने का प्रयास भी कर रही है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का सुरक्षा घेरा काफी लोकप्रिय है और इसकी मांग काफी अधिक है। इसका मुख्य कारण यही है कि एनएसजी का मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करना है, ना कि किसी की सुरक्षा करना। वीआईपी सुरक्षा की लागत का भुगतान कौन करता है? यहाँ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर कहाँ से, अब जैसे इनके लिए वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है, तो इसका भुगतान कौन करेगा? खुफिया विभागों से प्राप्त सूचनाओं के मूल्यांकन के पश्चात सरकार जिस किसी को भी सुरक्षा प्रदान करती है उसे यह सुरक्षा पूरी तरह मुफ्त प्रदान की जाती है। आप समझ रहे हैं कि मतलब सरकार जनता को खाइएगा, झांसी भी उठाइएगा, जनता को खाइएगा, यानी कि जनता के पैसे ही को ही आपको इसमें देना है। हालांकि जिन लोगों को जेड और जेल प्लस श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है उन्हें सुरक्षा कर्मियों की आवास की व्यवस्था भी स्वयं करनी होती है, क्योंकि इस प्रकार की सुरक्षा श्रेणियों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या काफी अधिक होती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सत्यशिवम ने वर्ष 2014 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वीआईपी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने पैतृक निवास में चले गए थे और उस निवास स्थान में सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। हालांकि सरकार खतरे का आकलन करने के बाद भी एक निजी व्यक्ति को उनके सुरक्षा कवर के लिए शुल्क चुकाने को कह सकती है। उदाहरण के लिए 2013 में सरकार ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को 2013 में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की थी, किंतु सरकार ने अपने आदेश में सीआरपीएफ को सुरक्षा के लिए मुकेश अंबानी से प्रतिमाह 15 लाख रुपए शुल्क लेने का आदेश भी दिया था। तो ये कहानी थी आपकी वीआईपी सुरक्षा की। क्या से क्या मुद्दा बन जाता है, सुबह से शाम तक एक मुद्दे को पकड़ लिया जाता है, उसी पर राजनीति। रिया ने आज ये खाया, कंगना रनौत ने ये बोला, उद्धव ठाकरे ने ये बोला, संजय रावत ने ये बोला, ये आपको लगता है कि इससे आगे मतलब देश तरक्की कर पाएगा? देखिए हकीकत यही है कि मुद्दा होना चाहिए था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, तकनीक का। इस तरह से मुझे लगता है बहस होती हर चैनल पर, हर तरह से, हर चारों तरफ आप देखते शिक्षा का मुद्दा उठा हुआ, तो साक्षरता का, आप देखिए बेरोजगारी, रोजगार का। तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे जा सकता था, लेकिन दूर दूर तक इस तरह के नजरिए दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहे। इतना ही कहिए, या तो भगवान मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए कि ऐसी महानुभूति हम लोगों को मिलती है। ये 4-5 मुद्दे होना चाहिए मैं तो कहता हूं, तो मुझे लगता है कि हम आगे बहुत चाइना जैसे देशों को पछाड़ सकते हैं। और जब तक हम घर में बीते रहेंगे इस तरह के मामलों में, हमें क्या लेना देना? आप मतलब तुम्हारा बॉलीवुड का काम है, तुम बॉलीवुड करिए, एक्टिंग करिए अपनी, तुम्हें राजनीति से क्या लेना देना है? तुम्हें कमेंट करने से क्या लेना देना है? तुम राजनीति कर रहे हो, तुम राजनीति करिए, तुम्हें दूसरे के टांग में क्या रहने की जरूरत है? लेकिन आप देखते हैं कि जब तक चर्चा में ना रहे तब तक मजा ही नहीं आता है। टीआरपी फिर मतलब एक तरह से कहां क्या मालूम चलेगा। खैर छोड़िए, अपनी गरीबी अपनी मस्ती में रहिए और ऊपर वाले से दुआ करिए कि कम से कम देश का उद्धार हो। समझ रहे हैं आप लोग? अपनी तैयारी जरूर करते रहिएगा, चालू रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि किसी के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि दूर दूर तक आपको आस नहीं है मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए कोई कुछ करेगा।